क्या हाल है आफ्ताब भाई? ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया। ऑलराइट गाइस, मैं जा रहा हूँ आज मंथली घर का सामान लेने आफ्ताब भाई के साथ। शोर ज़्यादा आ रहा है और मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ़ोन से। और आज मुझे कराची भी जाना है और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं कराची किसके साथ जाऊँ, क्योंकि मुझे कैमरा बनवानी है और देखते हैं क्या सीन होता है। चलेगा तू कराची? नहीं, देखता हूँ किसको बुला। चलो भाई, चल 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 चल, ऐसे दोस्त हो तो फिर जिंदगी बन जाते। अबे इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो, ये नहीं चला पा रहे? बड़ी बात है यार, वीडियो ही तो बन रही है कब की, गरीब आवाम। ओयो किर किर। और ये बड़ी सी गाड़ी है, इसको हम अब डीजल भरवाएंगे तो कितना खर्च आएगा? 500,000 का तो आता है, थोड़े चल देते हैं। 500,000 रुपए का सिस्टम तो अबू हम शॉपिंग करके आ गए। यस, फ्री में। ये हमारे पैसे कम पड़ गए आज पर, इसलिए ब्लेड लिए अपने लिए। हाँ यार, वो एक एक हजार थे, वो नहीं चल रहे, नहीं चल रहे थे। अब पता नहीं चल क्यों नहीं रहे थे, इतना खराब भी बाबा ने आज सैलरी निकलवाई थी तो उस वजह से। तो हम ऐसे करेंगे आज की बाबा को ये नोट वापस देंगे, आपका ये बचा के आ गए। हाँ तो ये खुश हो जाएंगे, नोट बिल्कुल ओके। वो बस दाऊद आले थोड़े घटिया इंसान है, इस हिसाब से उनको तरीका नहीं है कि नोट नहीं चलेगा। कायदे आजम को उसने हमें वापस दे दिया, ये बड़ी बात। कायदे आजम जिसके लिए लोग मरते हैं और इसने वापस दे दिया हमें, अच्छी बात है। गुड हो गया, हमारे पैसे बच गए यार। नहीं तो मैं अपना वो ले रहा था, क्या कहते हैं उसको, रेजर ले रहा था, दाढ़ी वाला। वो तकरीबन 900 समथिंग का आ रहा था, पर खैर पैसे बच गए, जिंदाबाद। आप 10 रुपया रेजर से काम चलेगा? नहीं भाई, गरीब। फिर मैं दूसरे पैसे लाऊंगा, फिर मैं थोड़ा सोच समझ के लूंगा रेजर के कौन सा लेना चाहिए। ये बात अजीज जियो सर, आज हमारा एक फ्रेंड मिला, उसने हमसे नंबर लिया दाऊद मॉल में कि भट्टी का मुझे नंबर दो। तो उसने कहा कि मुझे भट्टी से मिलना है, तो आप मुझे उसका नंबर लेके। तो मैंने उसको कहा कि मैं भट्टी के साथ होता हूँ, आप मेरा नंबर ले लो, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड थोड़ी बढ़ानी है। बुद्धो 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 ही मारा ही दो कवर नहीं किंग के नंबर दे वैसे चरियो। गुड मॉर्निंग गाइस, कल मैं कराची नहीं गया और आज का प्लान है कराची जाने का। रात को लॉकडाउन हो गया था, 10 बजे सब कुछ बंद हैदराबाद में। मुझे नहीं पता कि और इलाकों में भी सब कुछ बंद हुआ होगा कि नहीं, पर हमारे इलाके में सब कुछ बंद हो गया था। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी छोटी बहन को उठा के सीधा अपने घर, और उसके बाद स्कूल गई है वो, उसके बाद मैं जाऊँगा कराची की तैयारी करनी है, थोड़ा नाश्ता वाश्ता भी करना है। पता नहीं क्या दिल नहीं कर रहा यार, मतलब हैदराबाद छोड़ के जाना इतना दूर, कराची अकेला कम जाता हूँ, हालांकि उधर मेरे दोस्त भी हैं। आऊँ नहीं आऊँ, कैमरा तो लाजमी बनवानी है ना यार, जाना तो वैसे ही है, मतलब वैसे समझो दिल नहीं है पर ऐसे ही जा रहा हूँ। Everything is done right now guys, अभी मैं तैयार हूँ फुल कम्प्लीटली और बस अब कराची के लिए जाने के लिए प्रॉपर तैयारी है। शायद वॉच कहा है अपनी, वो बैंड वाली वॉच यार, वो फिटनेस बैंड बहुत अच्छा है, पता नहीं कहा है। तू ही तो पहनता था यार, तो वो बैंड कहाँ गया भाई? बैंड 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 इसमें तो नहीं है, किसने रख दिया? नौमी छोड़ने जा रहा है और एक मेरा दोस्त। ओके साफ करूं, हो गई। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, खैर इतनी तो नहीं है बट है, इसलिए मैंने हुडी। भाई भट्टी एक्सपर्ट जा रहा है कराची, इतने वाला जाए घूम के आए, मुझे मज़ा ले सियारे में। अबे नहीं, जॉब लगी है मुझे। चल ठीक है तू जा। हाँ तो मैं अभी अभी नींद से उठा हूँ और भट्टी एक्सपर्ट ने बोला मुझे छोड़ के आओ, तो मैं इसको जाना जा रहा हूँ छोड़ने के लिए। यस पहुँच गया हूँ मैं कराची।
भाई कैसे हो लाले? ठीक ठाक। चलो अब आगे हो, हम आपके पीछे। कराची में भी अपने भाई हैं। चलो चलो टोगू। ऑलराइट गाइस, पहले जिस काम से आए हैं वो पहले काम खत्म करें। मैं आ चुका हूँ कराची मोबाइल मार्केट। मेरा दोस्त आ गया। क्या हाल है ब्रो? मोबाइल भूल गए थे क्या? हाँ, मोबाइल भूल कर आ गया था। ये ले, आ जाओ। चलो, ये है कहाँ यार? वैसे मैंने ही कहा राइट। और पहले अपना काम करें, उसके बाद देखते हैं। अगर प्लान बना तो घूमेंगे, नहीं तो वही वापसी। क्यों नहीं घूमेंगे यार? और बहुत ही यार मज़े का है कराची। बहुत टाइम के बाद आया हूँ, अच्छा लग रहा है। मतलब अकेला मैं निकलता नहीं हूँ और आज मैं अकेला निकला हूँ। मज़ा आ रहा है वहाँ। जी पीछे बेचारा पता नहीं क्यों सारी रात ये सोया नहीं है, मेरे लिए उठा हुआ था। कब से कोले कर रहा था, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। पीछे आ रहा है यार। प्लीज़ डू नॉट इंटर विदाउट मास्क। फिर शेरोज ये आपको ही दे रहा हूँ। यहाँ सिग्नेचर करना, एक सिग्नेचर मिल रहा है। अब सब कुछ हैंडओवर किया है, अब जा रहे हैं। मैं अभी आगा खान हॉस्पिटल आया हुआ हूँ और हवेश भाई को शायद मेडिसिन लेनी थी अपने घर के लिए, क्योंकि ये मिलती नहीं है हैदराबाद और शायद पता नहीं, तो ये इधर से मिलती है। इसकी वजह से हम इधर आए। मैं कैमरा वगैरह सब कुछ मैंने हैंडओवर कर दिया है यार। आगा खान हॉस्पिटल बहुत बड़ी और बहुत हाफ लग रही है। वेरी नाइस, अच्छा लगा इधर आ। बाकी इनका नाम बहुत ख़राब है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, मैं हूँ आज हेडक्वार्टर में। और बस मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और ये होती है सुबह यार, कराची की सुबह। गुड मॉर्निंग। अब पहले मुझे फ्रेश होना है यार। कपड़े मैं लाया हूँ, ये रहे मेरे कपड़े और ये रहा मेरा लेंस। ये पता नहीं क्या ठप्पा लगा दिया इन लोगों ने। ओके, बाकी सब कुछ इसके अंदर है। आई विश इसके अंदर ही है। Everything is fine. ये चार्जर पड़ी हुई है, वो मैं अभी मोबाइल को चार्ज करता हूँ। फ्रेश होकर मिलता है। ये गया बाथरूम में। हम लोग जा रहे हैं किस चीज़ के लिए जा रहे हैं ब्रो? टिकटॉक या हॉर्स राइडिंग? हॉर्स राइडिंग के लिए। अभी होगा हॉर्स राइड होगी? चार बजे तकरीबन। चार बजे अभी शूटिंग क्लब। अभी टाइम हुआ है 3:08। अभी टाइम लगेगा बॉस। Alright guys, अभी हम पैदल ही पैदल जा रहे हैं। अब मुझे तो पता ही नहीं चला, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे वापस भी निकलना है आज हैदराबाद। और मसला है कैमरा का, वो मैंने अपनी जो शेरोज भाई थे उनको मैंने वो पूरी स्लिप दी, स्लिप मैंने उनको दे दी है, ताकि वो जैसे ही कैमरा बनती है वो मुझे हैदराबाद कैमरा भेज देंगे। अब इतने दिन तो मैं इधर ठहर नहीं सकता। आज उन्होंने कॉल की, मैं सोया हुआ था, फिर मैंने शेरोज भाई को बोला कि उनको कॉल करके आप पूछ लो क्या खर्चा आता है, क्या सीन है, फिर आप मुझे बता देना, मैं उनको पैसे व्हाट्सएप ईजी पैसा कर दूँ। राइट। इधर हमने एक दो फोटोज़ भी निकाले हैं यार। ये काजी भाई फोटो निकला है, करीब बंदा। हॉर्स राइडर है भाई, देखो। Thank you.
ऑलराइट गाइस, मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बहुत शौक था मुझे, इट्स टू हार्ड, बच्चे भी चला रहे हैं। ओके बाय। Alright guys, मैं अभी पहुंच चुका हूँ हैदराबाद अब्दुल्ला मॉल, और नवमी भाई भी आ रहे हैं रास्ते में। ये है हैदराबाद अब्दुल्ला मॉल, मज़ा आ रहा है हैदराबाद में आके, खुशी खुशी फील हो रहा है। ये नवमी आ रहा है लेने के लिए। हाँ भाई पहुंच गए। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, एकदम बढ़िया भाई। सफर कैसे रहा? सफर ओके रहा। चलो चले, सामने होटल पे ही बैठे थे हम। बस ठीक है, तुम बैठे रहो, मुझे बाइक दे देना। क्यों? हाँ फिर पनौती को कौन लेके जाएगा? पनौती बदवाएं देगा? भले दे, वो तुम्हें देगा, मुझे ये बात है, जिस काम में पनौती का काम नहीं होता तुम्हारा भी नहीं होगा। बस बस बस।